हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू डायमंड क्लासेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा चैनल जेएल प्रिपरेशन के एग्ज़ाम के लिए सीरीज चला रहा है और ये प्रीवियस ईयर के पेपर की सीरीज़ है। आज हम देखेंगे 25 तारीख को जो पेपर हुआ था जेएल प्रिपरेशन का 2017 में, उसकी तीनों शिफ्टों के हम पेपर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे 25 जुलाई 2017 का सुबह 9 बजे का पेपर, ठीक है, जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी वो वाला पेपर देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है यशवंत राव होलकर, मुश्ताक अली, अनुराग ठाकुर, ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है। वर्तमान में मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ के अध्यक्ष ज्योतिरादित्य सिंधिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग मौजूद है? ऑप्शन है 1, 3, 4, 2। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है 2। मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग मौजूद है, ठीक है। एक कहाँ पर है? एक उज्जैन में है और एक ओमकारेश्वर में है। जगह भी पूछ ली जाती है कभी कभी, तो याद रखिएगा 2 ज्योतिर्लिंग है, एक उज्जैन में है, एक ओमकारेश्वर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है जबलपुर, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ग्वालियर। लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन मध्य प्रदेश में ग्वालियर में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्वालियर जिले में मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल चित्रकूट किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा। तो इसका राइट आंसर है सतना। चित्रकूट मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल चित्रकूट सतना में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम में निम्नलिखित में से किस स्टेडियम में रणजी ट्रॉफी में अपने घरेलू मैदान में अधिकांश खेलती है? ऑप्शन है नेहरू स्टेडियम, होलकर स्टेडियम, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम, सेंट्रल जिमखाना स्टेडियम ग्राउंड, सॉरी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है होलकर स्टेडियम। मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम में होलकर स्टेडियम में रणजी ट्रॉफी में अपने घरेलू मैदान में अधिकांश खेलती है, ठीक है, कौन से? होलकर स्टेडियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित जिलों में किस जिले में भारत सरकार ने हाल ही में एक मेगा फूड पार्क स्थापित करने का निर्णय किया है? ऑप्शन है होशंगाबाद, सतना, रायसेन, मंदसौर। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है मंदसौर, ठीक है। मंदसौर जिले में भारत सरकार ने मेगा फूड पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है, ठीक है, कौन से में? मंदसौर जिले में, क्या? मेगा फूड पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कंपनी होशंगाबाद में अभिनव प्रकार का बॉटलिंग प्लांट स्थापित करेगी, ठीक है। ऑप्शन है पेप्सी, कोका कोला, बिस्लेरी और एक्वाफिन। तो इसका राइट आंसर है कोको कोला, ठीक है। कोका कोला में कंपनी होशंगाबाद में अभिनव प्रकार का बॉटलिंग प्लांट स्थापित करेगी, कोको कोला कंपनी। कहाँ पर? होशंगाबाद में। जगह भी पूछ सकते हैं कंपनी का नाम देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अरब सागर से मिलती है? ऑप्शन है सिंध, पेंच, बेतवा, तापी। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है तापी, ठीक है। तापी नदी जाकर अरब सागर में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से क्षेत्र में मानसून के दौरान सबसे कम वर्षा होती है? ऑप्शन है उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है उत्तर पश्चिम। मध्य प्रदेश में उत्तर पश्चिम में के क्षेत्र में मानसून के दौरान सबसे कम बारिश होती है, ठीक है, कौन से वाले एरिया में? उत्तर पश्चिम, जो नॉर्थ वेस्ट एरिया है, वहाँ पे मानसून के दौरान सबसे कम बारिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन से गीतकार का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था? ऑप्शन है जावेद अख्तर,
अमिताभ भट्टाचार्य, गुलजार, मजरूह सुल्तानपुरी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है जावेद अख्तर। ठीक है, जावेद अख्तर एक गीतकार है जिनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के दक्षिण में है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। ठीक है, दक्षिण में कौन सा स्टेट है? महाराष्ट्र। आपको सारे जो भी इसके 5 स्टेट्स हैं, नेबरहुड स्टेट्स हैं मध्य प्रदेश के, आपको सबके डायरेक्शंस पता होने चाहिए कि कौन से डायरेक्शन में कौन सा स्टेट है। तो दक्षिण में कौन सा स्टेट है? महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौंड जनजाति के पुजारी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, वेवात, ओझा, देवरी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है देवरी। गौंड जनजाति के पुजारी को देवरी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के किस जिले को पैरिस ऑफ निमाड़ के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है खंडवा, खरगोन, अलीराजपुर, बड़वानी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बड़वानी। बड़वानी को पैरिस ऑफ निमाड़ के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन। नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा कब शुरू हुई थी? ऑप्शन है 1 जनवरी 2017, 11 दिसंबर 2016, 25 दिसंबर 2016, 20 दिसंबर 2016। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 11 दिसंबर 2016। नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा 11 दिसंबर 2016 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। जटाशंकर किस स्थान का पर्यटन स्थल है? ऑप्शन है खजुराहो, पंचमढ़ी, उज्जैन, ओमकारेश्वर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है पंचमढ़ी। ठीक है, जटाकारेश्वर पंचमढ़ी का पर्यटन स्थल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गायन की निर्गुणी शैली मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के देश क्षेत्र में देखी गई है। ऑप्शन है विद्यान पठार, निमाड़, सतपुड़ा पठार और गिर्द। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है निमाड़। ठीक है, गायन की निर्गुणी शैली मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में देखी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता और गायक किशोर कुमार का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है खंडवा, इंदौर, सीहोर, रीवा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है खंडवा। ठीक है, अभी बॉलीवुड अभिनेता और गायक रह चुके किशोर कुमार, इनका जन्म हुआ है खंडवा में। ठीक है, ये एमपी के रहने वाले और कहाँ से? खंडवा के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर निम्न में से किसकी खोज से संबंधित है? ऑप्शन है उदयगिरी गुफाएं, खजुराहो मंदिर, भीमबेटका चित्रकारी, सांची स्तूप। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर है भीमबेटका चित्रकारी। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर भीमबेटका चित्रकारी की खोज से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन। मियां तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जबलपुर, खंडवा, भोपाल, ग्वालियर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ग्वालियर। ठीक है, मियां तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। अगला क्वेश्चन। संगीत के क्षेत्र में युवाओं के बीच रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 1992-93 में देश पुरस्कार की स्थापना की गई थी। ऑप्शन है कुमार गंधर्व पुरस्कार, एआर रहमान पुरस्कार, भीमसेन जोशी पुरस्कार और आरडी बर्मन पुरस्कार। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है कुमार गंधर्व पुरस्कार। ठीक है फ्रेंड्स, कुमार गंधर्व पुरस्कार की स्थापना की गई थी। तो ये इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन था। 25 डेट की फर्स्ट शिफ्ट खत्म हो गई है, अब हम सेकंड शिफ्ट देखेंगे। आगे की शिफ्ट देखने से पहले आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं अगली शिफ्ट। तो अब ये है 25 जुलाई 2017 की सेकेंड शिफ्ट जो कि 12 बजे की थी। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कान्हा टाइगर रिजर्व 2 जिलों में स्थित है, निम्नलिखित में से एक का चयन करें। ऑप्शन है जबलपुर, टिकमगढ़, छतरपुर और मंडला। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है
मंडला। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर तानसेन संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है? ऑप्शन है ग्वालियर, छतरपुर, भोपाल, उज्जैन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ग्वालियर। मध्य प्रदेश में ग्वालियर पर तानसेन संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध व्यक्ति ने कृष्णायन महाकाव्य की रचना की थी? तो ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, संत सिंघा जी, द्वारका प्रसाद मिश्रा, आचार्य केशवदास। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है द्वारका प्रसाद मिश्रा। मध्य प्रदेश के द्वारका प्रसाद मिश्रा ने कृष्णायन महाकाव्य रचना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मड़ई किस नदी के पास स्थित है? ऑप्शन है नर्मदा, माही, पार्वती, तवा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है तवा। मड़ई तवा नदी के पास स्थित है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल स्किल पार्क की आधारशिला रखी गई है? ऑप्शन है ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, जबलपुर। तो इसका राइट आंसर है भोपाल। मध्य भोपाल में विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल स्किल पार्क, ठीक है, इसकी आधारशिला रखी गई है। याद रखिएगा, भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क की आधारशिला रखी गई है। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल के अनुसार इंदौर भारत का सबसे बड़ा शहर है। ऑप्शन है नवा, दसवा, सातवा, आठवा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है नवा। क्षेत्रफल के अनुसार इंदौर भारत का नवा सबसे बड़ा शहर है। अगला क्वेश्चन, विख्यात रानी अहिल्याबाई निम्न में से कौन से स्थान से संबंधित है? ऑप्शन है खजुराहो, महेश्वर, चंदेरी, उज्जैन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है महेश्वर। ठीक है, विख्यात रानी अहिल्याबाई महेश्वर स्थान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, बाघ की गुफाएं किस जिले में स्थित है? ऑप्शन धार, रायसेन, भोपाल, उज्जैन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है धार। बाघ की गुफाएं धार जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हनुमान ताल किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन है भोपाल, ग्वालियर, इनमें से कोई नहीं, जबलपुर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है जबलपुर। हनुमान ताल जबलपुर स्थान पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, भोपाल भारतीय संघ में कब शामिल हुआ था? ऑप्शन है 12 जून 1950, 1 जून 1949, 15 दिसंबर 1950, 10 दिसंबर 1949। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 1 जून 1949। भोपाल भारतीय संघ में 1 जून 1949 में शामिल हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्न प्रसिद्ध व्यक्तियों में से किसका जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ था? ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर आजाद, भीम राव, रामजी अंबेडकर, विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक है, विश्वनाथ प्रताप सिंह का जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ था। बाकी ये जो तीन ऑप्शन है, इन तीनों का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। तो आप ये नाम भी अच्छे से पढ़ लीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म भी मध्य प्रदेश में हुआ था, चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म भी मध्य प्रदेश में हुआ था, और भीमराव रामजी अम्बेडकर का जन्म भी मध्य प्रदेश में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना किस वर्ष में शुरू हुई थी? तो ऑप्शन है 2007, 2004, 2008, 2005। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 2004। मध्य प्रदेश में दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना 2004 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2008 में सिंगरौली जिलों का निर्माण 10 जिले को बांटकर किया गया था। ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, सीधी, अलीराजपुर, झाबुआ। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सीधी। 2008 में सिंगरौली जिले का निर्माण सीधी जिले को बांटकर किया गया था। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में
अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? ऑप्शन है 2, 4, 3, 1। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 3। मध्य प्रदेश में अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। माधव राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है शिवपुरी, खंडवा, धार, सिवनी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है शिवपुरी। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में स्थित है। अगला क्वेश्चन। हीरा भूमिया का मेला निम्न में से कौन से महीने में लगता है? ऑप्शन है सितंबर और अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, अक्टूबर और नवंबर, अगस्त और सितंबर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अगस्त और सितंबर। हीरा भूमिया का मेला अगस्त और सितंबर महीने में लगता है। अगला क्वेश्चन। नेहरू स्टेडियम इंदौर में पहला अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई क्रिकेट मैच किस वर्ष में आयोजित हुआ था? ऑप्शन है 1982, 1984, 1983, 1981। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 1983। नेहरू स्टेडियम इंदौर में पहला अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई क्रिकेट मैच 1983 में आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन। नर्मदा सेवा मिशन शुरू करने के लिए निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले में कार्यक्रम का आयोजन हुआ था? ऑप्शन है ग्वालियर, अनूपपुर, होशंगाबाद, भोपाल। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अनूपपुर। नर्मदा सेवा मिशन शुरू करने के लिए अनूपपुर जिले में कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। अगला क्वेश्चन। ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ग्वालियर, भोपाल, रीवा, जबलपुर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है रीवा। ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम रीवा में स्थित है। ये स्ट्रिप का लास्ट क्वेश्चन है। भारत का कौन सा स्टेशन हाल ही में निजी हाथों में जाने वाला पहला स्टेशन बन गया है? ऑप्शन है भोपाल मुख्य स्टेशन, इंदौर जंक्शन, कटनी जंक्शन, हबीबगंज स्टेशन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है हबीबगंज स्टेशन। भारत में हबीबगंज स्टेशन है जो निजी हाथों में जाने वाला पहला स्टेशन बन गया है। यहाँ पे सेकेंड शिफ्ट खत्म होती है, अब हम थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। तो अब 25 जुलाई 2017 के 3 बजे की जो थर्ड शिफ्ट है वो उसके क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पन्ना के अलावा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान दैत जिले में भी आता है? ऑप्शन है टिक्कमगढ़, छतरपुर, सिवनी, मुरैना। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है छतरपुर। ठीक है, पन्ना के अलावा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान छतरपुर जिले में भी आता है। अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश विधानसभा ने मध्य प्रदेश की कौन सी पहली नदी को जीवित इकाई घोषित किया है? ऑप्शन है नर्मदा, चंबल, बेतवा, शिप्रा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है नर्मदा। मध्य प्रदेश विधानसभा ने मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी को जीवित इकाई घोषित किया है। ठीक है, नर्मदा को जीवित इकाई घोषित किया है। अगला क्वेश्चन। महाजनपद युग में उज्जैन किस जनपद की राजधानी थी? ऑप्शन है अवंती, मत्स्य, अश्मक, वज्जी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अवंती। ठीक है, उज्जैन महाजनपद युग में उज्जैन अवंती जनपद की राजधानी थी। फ्रेंड्स मोस्टली महाजनपद के लिए पूछ लिया जाता है, वैसे तो उज्जैन के बारे में ही पूछा जाता है क्योंकि ये एमपी का पार्ट है। वैसे भी हमने 16 महाजनपद की ट्रिक हम बना रखी है, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे देंगे। आगे देखते हैं। कैप्टन फॉरसिथ के निम्न में से कौन से स्थान का खोज एवं विकास करने का श्रेय जाता है? ऑप्शन है मांडू, नॉन ऑफ द अवफ, पंचमढ़ी, ओरछा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है पंचमढ़ी। ठीक है, कैप्टन फॉरसिथ को पंचमढ़ी स्थान का खोज एवं विकास करने का श्रेय जाता है। अगला क्वेश्चन। ओरछा कौन से जिले में स्थित है? ऑप्शन है दमोह, टिकमगढ़, सतना, दतिया। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है टिकमगढ़। ठीक है, ओरछा टिकमगढ़ जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश उद्योगिक केंद्र विकास निगम कहाँ स्थित है?
ऑप्शन है भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है भोपाल। मध्य प्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास निगम भोपाल में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ऑप्शन है उर्मिला सिंह, उमा भारती, शीतला सहाय, सरला ग्रेवाल। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सरला ग्रेवाल। ठीक है, मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सरला ग्रेवाल थी। मैं आपसे हमेशा कहती हूँ आपको ये सारी चीज़ें याद करनी है, फर्स्ट कौन था, फर्स्ट महिला कौन थी, और अभी करंट में कौन है, स्टेट मिनिस्टर कौन है, सेंट्रल मिनिस्टर्स कौन है, ये सारी चीज़ें तो आपको याद होनी ही चाहिए। अगला क्वेश्चन, भोज वेटलैंड को रामसर साइट कब बनाया गया था? ऑप्शन है 2004, 2002, 2005, 2003। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 2002। ठीक है, 2002 में भोज वेटलैंड को रामसर साइट बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बरगी बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन है ताप्ती, नर्मदा, चंबल, तबा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है नर्मदा। बरगी बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में साइंस मैन के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है कुंजीलाल दुबे, माखनलाल चतुर्वेदी, शंकर लक्ष्मण, अनिल काकोदकर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है अनिल काकोदकर। अनिल काकोदकर को साइंस मैन के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश किसका बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन है इमारती लकड़ी, बांस, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त दोनों, तेंदुपत्ता। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है उपरोक्त दोनों, यानी कि इमारती लकड़ी, बांस और तेंदुपत्ता दोनों का ही मध्य प्रदेश बड़ा उत्पादक है। अगला क्वेश्चन, गौरव चौहान निम्न में से कौन से खेल से संबंधित है? ऑप्शन है बॉक्सिंग, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बॉक्सिंग। ठीक है, गौरव चौहान बॉक्सिंग से खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मध्य प्रदेश में कौन सी नदी बहती है? ऑप्शन है केन, बाणगंगा, सोन, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। मध्य प्रदेश में तीनों नदियां बहती है, केन, बाणगंगा और सोन, ये तीनों नदियां बहती है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश का नया वित्तीय वर्ष क्या होगा? ऑप्शन है 1 मई से 30 अप्रैल, 1 मार्च से 28 या 29 फरवरी, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 फरवरी से 31 जनवरी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 1 जनवरी से 31 दिसंबर। ठीक है, मध्य प्रदेश का नया वित्तीय वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर होगा। अगला क्वेश्चन, चेतियागिरी मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ओरछा, ओमकारेश्वर, खजुराहो, सांची। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सांची। चेतियागिरी मंदिर सांची में स्थित है। अगला क्वेश्चन, उदयगिरी की मूर्तियां निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है हिंदू धर्म। उदयगिरी की मूर्तियां हिंदू धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित लेखकों में से किसने अपने व्यंग्य लेखन विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार प्राप्त किया है? ऑप्शन है पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, राहत इंदौरी, हरिशंकर परसाई, मैथिली शरण गुप्त। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई ने अपने व्यंग लेखन विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार प्राप्त किया है। ठीक है, किसने? हरिशंकर परसाई ने। किसने क्या लिखा है? विकलांग श्रद्धा का दौर। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिले में जनवरी फरवरी के महीने में रामलीला मेला का आयोजन किया जाता है? तो इसके ऑप्शन है इंदौर, ग्वालियर, मंदसौर, भोपाल। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो गया है ग्वालियर।
ठीक है, ग्वालियर जिले में रामलीला मेला का आयोजन किया जाता है कौन से महीने में? जनवरी फरवरी के महीने में। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश सरकार का प्रसिद्ध कालिदास सम्मान निम्नलिखित क्षेत्रों में किस में नहीं दिया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन है साहित्य, शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य और नाट्य। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है साहित्य। कालिदास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। तो किन क्षेत्र में दिया जाता है? एक तो शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में दिया जाता है, नाट्य के क्षेत्र में दिया जाता है, लेकिन लिटरेचर यानी कि साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। कौन सा सम्मान? मध्य प्रदेश का कालिदास सम्मान। अगला क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस डेट के लास्ट शिफ्ट का, मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस क्या है? तो ऑप्शन है फर्स्ट, पहला 1 नवंबर, 1 जुलाई, 1 सितंबर, 1 दिसंबर। तो फ्रेंड्स बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, इसका आंसर है 1 नवंबर। मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस 1 नवंबर है। यहीं पे हमारी 25 डेट के तीनों शिफ्ट खत्म हो गई है। अब 2 डेट के और पेपर बचे हैं, 27, 28, उनको भी जल्दी ख़त्म करके हम प्रीवियस पेपर की सीरीज़ ख़त्म कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।